हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक्चुअली हो गया है थर्सडे, ओ नहीं नहीं सॉरी फ्राइडे हो गया यार, भूल गया। एक्चुअली वेनसडे और थर्सडे को हम लोग घर के काम में ऐसे लग गए थे, जो पीछे आपको दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे घर के बाहर, घर के बाहर या आपने पहले इधर देखा होगा, सुबह से ये फ्लावर ऐसे लगा के रखे हुए थे और कीचड़ कीचड़ ऐसा पूरा दिख रहा था, ग्रास वगैरह था नहीं, तो हमने पूरा डेकोरेट कर दिया। सॉरी यार, एम्बुलेंस जा रही है, सॉरी। तो ये जो आप देख रहे हो, तो पहले यार पूरा कीचड़ कीचड़ था, मतलब मिट्टी दिख रही थी, ग्रास भी इतने थे नहीं, क्योंकि हमने क्रिसमस ट्री यहाँ से निकाल दिया था। तो बस पूरा हमने सिंचाई किया, मतलब पूरा वो खड्डा उड्डा थोड़ा खोद के पूरा सीधा किया जमीन को, एक और गई। एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे भी जाती है, क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों साथ में जाती है। तो ये पूरा हम लोगों ने बाद में डेकोरेट किया। ये ब्लू मार्बल जो आप देख रहे हो, ब्लू वैसे यहाँ पे जो वाइट देख रहे हो आप, ये वाले ये रात को रेडियम जैसे मतलब चमकते हैं, और ये अपने फ्लावर भी रात को चमकाते हैं। तो धीरे धीरे पूरा डेकोरेट करेंगे, जैसे आप बाजू में देख रहे हो हमारा ये वाला भी, इसको भी थोड़ा मैं काट वाट के पूरा पूरा ऐसे ही डेकोरेट कर देंगे हम लोग। वैसे ही उस तरफ भी जो है जगह, तो धीरे धीरे करेंगे। और मौसम बहुत अच्छा है, ये भी पूरा बहुत ही अच्छा रहने वाला है वेदर, ये भी क्या नेक्स्ट वीक भी बहुत अच्छा वेदर रहने वाला है, इसलिए मतलब 70 फ़ारेनहाइट के ऊपर ही रहने वाला है। फिलहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ वापस लिफ्ट करने के लिए, सुबह से कर रहा हूँ, नहीं सुबह से दोपहर से कर रहा हूँ, सुबह को तो आराम किया था। तो सुबह दोपहर को 1 बजे स्टार्ट किया था मैंने, और 1 बजे से बस अभी तक मतलब कितना 5 बजे, 5 बजे घर पे आ गया मैं, 4 घंटा किया, $100 बन गया था, उसके बाद मैं घर पे आ गया। लेकिन एक और नई चीज़ देखने को मिली लिफ्ट में, वो कि वो लोग चैलेंजेस भी मतलब देते हैं, तो पहली बार मुझे मिला है, मैंने सुना तो था लेकिन कभी मिला नहीं था। तो चैलेंजेस में क्या होता है कि लिफ्ट वाले लोग आपको बोनस वगैरह के चक्कर में, या तो फिर क्या बोलते हैं चैलेंज, मतलब हाँ वो कुछ बोनस ही होता है। तो चैलेंज में मतलब होता क्या है कि वो लोग बोनस तरीका क्या होता है, मतलब बोनस देते हैं वो लोग। तो इस बार मुझे एक मैसेज आया, मतलब ऐप पे ही मुझे दिखाया कि अगर नेक्स्ट वीक मंडे से लेके फ्राइडे तक के अंदर अगर मैं 120 राइड करता हूँ, 120 राइड्स जो भी टाइम मैं ले लूँ, मतलब 12 घंटे रोज करूँ, पर 120 राइड अगर मैं करता हूँ तो मुझे उनकी तरफ से $225 और मिलेंगे। मतलब 120 राइड के तो जो मुझे मिलना है वो तो मिलना ही है मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 120 राइड करता हूँ तो 900,000 तो बन ही जाते हैं, तो 4 दिन के अंदर वो तो बन जाएंगे, प्लस 225 तो मुझे बोनस में मिलेंगे। तो देखते हैं, मैंने वो राइड, मैंने चैलेंज तो ले लिया है, अभी मंडे से करूँगा, देखते हैं। ये फिलहाल ये लोग लड़ते बहुत है यार मेरे बच्चे, ये रे दो खेलते हैं। मैंने वो पूरा देखो पाइप वगैरह भी दिख रहे हैं, ये सब मैं शॉपिंग करके आया था वेनसडे को, ये सब कुछ, ये स्टोन्स वगैरह सब कुछ बाय करके आया, ये टोटल ऑलमोस्ट यार ऑलमोस्ट टोटल मुझे $225 का खर्चा हो गया, मतलब ये सब बाय किया था, स्टोन वगैरह, मतलब जो ब्लैक मार्बल वगैरह होते हैं ना, जो वाइट और ब्लैक मार्बल स्पेशली, वही बहुत महंगे थे। और ये हॉर्स पाइप, मतलब 75 मीटर का हॉर्स पाइप लिया, मीटर नहीं फुट, फीट 75 फुट का मैंने पाइप लिया, वो कुछ $40 का आया। तो ये वाला काम भी अगर जो लोग करते हैं, मतलब जिन लोग को आता है, बहुत कमाई है। ये जो आप पीछे मैंने किया, ये सेम काम के लिए मैंने एक मैक्सिकन कोई थी, वो थे वो लोग, जो कोई कंपनी होगी उनकी, जो सिर्फ ये वगैरह हम लोगों को जो जार निकाल, आप लोग अगर मेरा अगर पहला व्लॉग देखा होगा जिसमें यहाँ पे पेड़ थे और जो मैंने निकाल दिए थे क्रिसमस ट्री, ऐसे ही क्रिसमस ट्री थे, तो वहाँ से पूरा निकाल दिया था ऑलमोस्ट, वो लोग ने 6 से 7 पेड़ निकाले थे मेरे घर से, वो लोग का पूरा मतलब 6-7 घंटा गया होगा, लेकिन वो लोग ने मुझे ऑलमोस्ट $600 चार्ज किया था। तब हम लोगों ने पूछा था कि ऐसा अगर आप हमको करके दे यहाँ पे तो कितना चार्ज लोगे, तो जो हम लोगों ने ये किया अगर पूरे गार्डन में अगर हमको करवाना है, तो वो लोग ने 1500 से 2000 तक का प्राइस हमको दिया था। अब इसमें तो क्या है कि ऐसे ही 2000 का प्राइस में शायद ज़्यादा से ज़्यादा पूरे गार्डन के लिए 500 का मटेरियल आएगा और 1500 पूरा प्रॉफिट होता है। तो सीजनल जॉब है, मतलब लोग यहाँ पे सीजनल जॉब भी बहुत करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में त्योहारों में होता है, दिवाली ये वगैरह सब हो गया,
यहाँ पे सीजनल जॉब ये लोग का ये होता है, समर आती है तो पूरा ग्रास कटिंग गार्डनिंग, और स्नो टाइम के अंदर पूरा बर्फ वर्फ निकालना लोगे पार्किंग में, तो काफ़ी लोग बस यही काम करते हैं। तो फिलहाल अभी तो जाता हूँ, मेरा लिफ्ट स्टार्ट करता हूँ, 200 का टारगेट है अभी तक के, अभी तक मेरा $800 जैसा बन चुका है, और आज फ्राइडे है, और 100 बना लूँगा तो 900 हो जाएगा, कल सैटरडे और 200 बना लूँगा तो 1100, संडे को एक्चुअली गुल्ली छुट्टी मारने वाला हूँ आधे दिन की, क्योंकि IPL है, आज का मैच भी बहुत अच्छा था, पता नहीं आप लोग IPL देखते हो कि नहीं। तो मेरा एक तो फेवरेट धोनी की टीम मेरी फेवरेट है, धोनी फेवरेट है, ऑब्वियसली गुजरात भी मेरी फेवरेट है, लेकिन धोनी जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो वो संडे को एक्चुअली है, तो संडे को सुबह मेरा मैच में ही जाएगा, और देखेंगे बाद में वेनसडे को, थोड़ा बाल वाल कटवाने बहुत बहुत बढ़ चुके हैं मेरे बच्चे के ही बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा वो सब खुलिया ठीक करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी जाएंगे, ये सब बाहर बैठे हैं शांति से। अभी तो मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, और एक बात बताना आपको भूल गया, लेकिन ये गाड़ी के अंदर मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है कि पेट्रोल में काफ़ी फ़ायदा हुआ, जैसे कि मैंने कल ऑलमोस्ट $40 का पेट्रोल डाला था गाड़ी के अंदर, ये वाली अपनी सुडान में, तो $40 के पेट्रोल में कल मैंने ऑलमोस्ट $240 बनाए, $240 कल मैंने बनाए, और अब आज भी ये $100 बना चुका हूँ, और अभी भी 150 किलोमीटर 150 miles और चलेगी ऐसा दिखा रहा है, तो आराम से मतलब $400 में बना सकता हूँ इसके $40 में, जो पिछली SUV जो थी उससे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि SUV में मैं 200 के अंदर ही मेरे $30 का पेट्रोल चला जाता था, तो काफ़ी ये एक फ़ायदा, इसलिए मैं बोल रहा था कि सुडान एवरेज वाली गाड़ी में काफ़ी बचत और काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अभी तो बस मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे, देखता हूँ थोड़ा और फुल करवा देता हूँ, क्योंकि कभी कोई लंबी राइड आ जाए तो ऐसा ना हो कि यार पेट्रोल बाद में वो हो जाए, तो स्टार्ट करने के पहले मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो पेट्रोल डाल दिया, $30 के अंदर गाड़ी फुल हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम जो फुल करवाया था बाद में यूज़ किया गाड़ी, तो एवरेज निकालनी हो तो ऐसा समझ लो कि ऑलमोस्ट $350 मैंने बनाया है, $350 में ये गाड़ी के अंदर $30 का पेट्रोल गया, जो वो गाड़ी में मेरा 250 या 230-240 बनाता था तब मेरा 30 का पेट्रोल जाता था, तो ऑलमोस्ट $100 का फायदा है ये गाड़ी के अंदर हर बार पेट्रोल जो अगर मैं रोज करूँ तो जैसे मैंने कहा था कि हर महीने मेरा यही 400-500 के ऊपर मेरा इसमें फायदा बचेगा मेरा पैसा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, अभी ऐप ऑन करता हूँ, देखते कितना बनता है, रात को आज इतना काम नहीं किया, बहुत लेट चालू किया था, वही मैच की वजह से, आज मुंबई का मैच था, चलो चालू करते हैं आज। और ऑलराइट गाइस, तो थोड़ी बहुत राइड करने के बाद अभी आ चुका हूँ मैं इलिनॉइस शिकागो, जैसा आप सामने देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है यहाँ पे, और जितनी ऊंची बिल्डिंगें होती है उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। मतलब मैं यहाँ पे आ गया, मतलब 1.5 घंटे की, एक घंटा 15-16 मिनट की राइड है मेरे लिए जो मुझे मिली, और $80 मिल रहे थे इसलिए ले ली, जैसा आप देख रहे हो। अभी आप जैसे मैं सिटी के अंदर एंटर करने जाऊँगा ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, रात का टाइम था इसलिए मैंने ये राइड ले ली। नॉर्मली शिकागो अगर दिन में होती अगर ये राइड तो मैं कभी भी नहीं लेता, क्योंकि ये 1 घंटा 15 मिनट की राइड दिन के टाइम पे हो जाती है ऑलमोस्ट 2 घंटे की, इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे। तो बस ये अभी सिटी में एंटर कर रहा हूँ, जो पैसेंजर है आई थिंक उसको कल की उसकी फ़्लाइट होगी, इसलिए वो भी यही कह रहा था कि क्योंकि राइड यहाँ पे कोई आने के लिए रेडी होता नहीं है, इसलिए उसने आज रात को बुक करवा दी ये राइड, और कल वो सुबह फ़्लाइट में जाने वाला है, नहीं तो फिर वो बोलता मेरे को फ़्लाइट मुझे वो टाइम पे मेरे को राइड नहीं मिलती यहाँ के आने के लिए, कि मैक्सिमम लोग सब ना ही बोलते हैं, कि आप सोच लो रात को ये 10 बजे के आसपास, कितना 9:30-10 बजा है तब इतने ट्रैफिक है, अभी भी दिन में तो कम्प्लीटली पैक होता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। और शिकागो में आप आओ तो चल चल के सिटी के अंदर घूमने का बहुत बहुत सारा मतलब अच्छा अच्छा आपकी बिल्डिंग आर्किटेक्चर सब बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। मतलब हम लोग अभी तक कभी आए नहीं है, मतलब शिकागो में एक दो जगह पे खाली आके मतलब गाड़ी में चले गए ऐसे,
चल के कभी घूमे नहीं है। अभी जैसे मैं बाहर देख रहा हूँ तो काफ़ी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, सब आराम से चल रहे हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक है रात को, सब रेस्टोरेंट बार वगैरह फुल है। यहाँ पे आपको फुल ऑन डिस्को विस्को सब मिल जाएगा आपको ये जगह पे। हम लोग जहाँ पे रहते हैं रेसिन वगैरह जो छोटा टाउन होता है यहाँ पे यूएसए में, वहाँ पे आपको मतलब वो डिस्को ट्रैक वगैरह डिस्को जो एकदम प्रॉपर होता है वो नहीं होता यहाँ पे, लेकिन ये ऐसे इलिनॉइस शिकागो वगैरह आप आओगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ऑलराइट, तो ये मैं पहुँच गया हमारी डेस्टिनेशन पे। मैंने मेरे पैसेंजर को बस यहाँ पे ड्रॉप किया, रेस्ट होटल के अंदर शायद उसको जाना होगा, यहाँ पे स्टे करेगा और कल शायद निकल जाएगा जहाँ पे उसको जाना होगा एयरपोर्ट से। तो फ़िलहाल मैं अभी बस यहाँ से निकलता हूँ और जाता हूँ अभी रेसिन में और देखता हूँ वहाँ पे थोड़ी बहुत और राइड कर लेता हूँ। 200 तो बन चुका है अपना, वहाँ पर थोड़ी और राइड कर लूँगा और बाद में घर चला जाऊँगा। ऑलराइट गाइस, तो रात के बजे हैं अभी 10:15 बजे आई थिंक, और मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लिया हुआ है इलिनॉइस से आते ही, लेक ओसिस करके है जगह, जो आपको पता होगा मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, वो हाईवे के ऊपर ही बीचों बीच जो वो रेस्टोरेंट्स वगैरह सब जो बना हुआ है वहाँ पे मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि इलिनॉइस से निकलते ही मेरी गाड़ी का हो गया पंचर। जैसा आप देख रहे हो ये टायर पड़ा हुआ है, मैंने टायर चेंज कर दिया, इतनी रात को यहाँ पे तो कुछ खुला होता नहीं है, इमरजेंसी सर्विस वगैरह होते हैं लेकिन वो लोग काली पीली बहुत चार्ज करते हैं। तो अभी अपने पास स्पेयर टायर पड़ा हुआ था गाड़ी के अंदर, तो स्पेयर टायर डाल दिया और इसको यहाँ रख दिया, अभी इसको कल बनाने जाएंगे कहीं पे। फिलहाल तो अभी यहाँ पे आया हूँ लेक ओसिस में, देखते कुछ खाना वाना खा लेते अंदर, बाद में धीरे धीरे आ गया तो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये वाला जो टायर होता है स्पेयर टायर उस पर ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, ऐसा कहते हैं, पता नहीं अभी। तो थोड़ा बहुत चला के अभी आया, अभी बस घर आधा घंटा ही दूर है, तो अभी धीरे धीरे यहाँ से निकल जाऊँगा वापस और घर पे कर दूँगा पार्क, क्योंकि वैसे अच्छी राइड थी इलिनॉइस की, जो राइड मिल गई मुझे वो ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको बताया $80 की राइड थी, चलेगा अभी $30 का इसका खर्चा हो जाएगा मेरे को, 50 मिलेंगे अपना, चलो $200 का टारगेट तो मेरा पूरा हो गया वैसे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, कल भी मेरे 240 हो गए थे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ खाना खा के निकलता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे अंदर आके मैं अभी खड़ा हूँ और बाकी सब तो बंद हो गया, खाली अपना मैकडोनल्ड और टाको बेल खुला है यहाँ पे, ये सारे जो सुपर हो गया तो सब बंद हो गया है, तो बस अभी मैकडोनल्ड की लाइन में सब खड़े हैं यहाँ पे, मेरा ऑर्डर की मैं वेट कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अपना खाना आ चुका है, एक हो गया चिकन स्पाइसी क्रिस्पी बर्गर और अपनी फ्राइज और फेंटा, और उसके सामने ही ये नज़ारा, मेरे नीचे सारी गाड़ियाँ जा रही है। तो बस यहाँ से अभी मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मैं खाना खाने के बाद सीधा घर पे जाता हूँ और बाद में कराएंगे वापस पंचर, तो नींद भी आ रही है, थक गया तो वीडियो ख़त्म कर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। एंड एक और बात, वापस किसी ने कमेंट किया था कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, आई विश मेरे को डालना है, लेकिन एक बार मेरी जैसे मैंने कहा था मेरी इनकम स्टार्ट हो जाती है तो क्या है कि मेरे को अगर YouTube से भी मतलब ये जो इनकम स्टार्ट हो जाती है और मेरे को YouTube से इनकम आती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए अभी मेरे को क्या है कि मेरे को टाइम मेरे को पूरा ये काम के अंदर भी देना पड़ता है, मैं 10-12 घंटे में ये लिफ्ट वगैरह करता हूँ तो उसमें टाइम नहीं मिलता है कि मैं कर पाऊँ, और अपना बाप दादा कुछ छोड़ के नहीं गए कि चलो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, तो मेहनत करना पड़ता है, पैसा आते हैं तो घर चल सकता है, इसलिए पहले सबसे पहले वो देखना पड़ता है। जिस दिन मेरी इनकम YouTube से भी स्टार्ट हो जाएगी तो मैं जैसे मैंने कहा है आधी भी इनकम मुझे करोड़ों रुपये और लाखों रुपये नहीं चाहिए, कुछ डॉलर्स भी आना चालू हो जाए, जैसा कि $1,000 जैसा भी आ जाए तो चलो मैं इसमें काम कम कर दूँ और इसमें चालू कर दूँ, तो डेफिनेटली पूरा और बनाऊँगा। तो फिलहाल तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को हफ्ते के मैं एटलीस्ट 2-3 वीडियो डाल पाऊँ, ठीक है, तो बस वीडियो को एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।